ये 16 साल के हैं और 11 साल से इनको बंधक बनाया गया है। आपको दिन रात इनको देखना पड़ता है? हाँ, एनी टाइम। रात में भी यही रहते हैं? रातों में अपना घर बंद कोको में रखे, नहीं खटिया में बांध के। इससे पहले आप जानवरों को देखते होंगे कैदी की तरह, लोगों को जेल में देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर एक लड़के को कैदी की तरह बनाया गया है। दोस्तों, अभी हम बिहार के गोपालगंज में हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 साल के एक लड़के को कैदी बनाया गया है। और अभी तक आप तमाम जानवरों को, लोगों को जेल में बंद होते हुए देखे होंगे, जानवरों को कैद होते हुए देखे होंगे, लेकिन आखिरकार एक बच्चे को क्यों कैदी की तरह बनाया गया है? आप देख सकते हैं कि 11 साल से इस लड़के को किस प्रकार से बंधक बनाया गया है। और देखकर आपके मन में तमाम सा सवाल उठेंगे कि आखिरकार एक लड़के को, जिस उम्र में आप लड़के को देखते होंगे कि पढ़ाई करते हुए नजर आते होंगे, उस उम्र में एक लड़के को क्यों कैदी की तरह बंधक बनाया गया है? हम जानने का प्रयास करेंगे, उनकी माँ है। अच्छा, ये बताइए कि कब से इनको कैदी बनाया गया है? 11 साल से बंधक बनाया गया। बंधक में तो बना। क्या कारण है कि इनको मतलब बंधक आप लोग बनाए हुए हैं? बनले बनिए से जो दिमाग में नई खेन कोई भाग पर आ जाले, कोई अति हो जाएंगे, तो देख के कोखी के आगवा हमार जेठ संतान बन, तो देख के सब उड़वा, या कोई डूब जात के मर जात, कोई चल जात, तो हम कहाँ से हमारा जिंदगी भर का। यानी कि मानसिक परेशानी के कारण इनको आप लोग बंधक बनाए हैं, ताकि कहीं ये चले नहीं जाए। हाँ, क्या समस्या हुआ था इनके साथ, ये प्रॉब्लम कब से है इनका? 11 साल से ये बांध के रख ले बनी, कभी 11 साल बीमारी का भले 11 साल से बांध के रख ले बनी, पैसा कौड़ी नहीं के जब कहीं जाए। अच्छा, यानी कि पैसा के कारण इनका इलाज नहीं हो पाया। तो ये बताइए कि ये परेशानी कब से हुआ है, बचपन से ही है या फिर बाद में हुआ है? ना, 5 साल निमर रहे हैं। 5 साल अच्छे थे? हाँ, 16 साल के भले 5 साल निमर रहे, 11 साल के से बाढ़। अच्छा, यानी कि आपको बता दे कि ये 16 साल के हैं और 11 साल से इनको बंधक बनाया गया है, और वो भी अच्छे इलाज नहीं होने के कारण। आप लोग दिखाने का कहीं प्रयास किए थे कि नहीं? अब तो हम एक जगह भेजबो कैलक लोग, लॉकडाउन का पहले कुलियार बान वाले थी, तो रत्नेश्वर मुखिया 2100 रुपया दे लें, तो कोयलोर लेके गए। अच्छा, एक मुखिया आपके गांव के हैं, सिर्फ 2100 रुपया दिए? हाँ, 2100 रुपया। 2100 और इलाज के लिए कितना चाहिए था? हमारा का टोटल 2100 रुपया दे ले, 2100 रुपया दिए इलाज के लिए। अच्छा, क्या आपको लगता है अगर इनका कोई बेहतर इलाज होता अच्छा अस्पताल में, तो ये ठीक हो सकते थे? हाँ, कह लो जो ठीक हो जाए, अभी तो कहता लो जो हाँ काम लेके जाए के दिमागी डॉक्टर का लोग। अच्छा, तो हम लोग समस्या ना, तो हम लेके कहा जाए? आपके घर के सामने एक बांध है जहाँ पर एक गंडक नदी है, और यहाँ पर हमेशा से बाढ़ आते रहता है, तमाम नेता मंत्री लोग यहाँ पर देखने के लिए आते होंगे, तो ये नहीं दिखता है क्या आपके घर के जो बच्चे? ना, केहू ना देखे ला, देख जब आए लो यहाँ तो हमारे ताके लगे लो होने मुँह क के। अब समझिए शर्म आती है इस बिहार पर, जहाँ पर पैसे के कारण आप देख सकते हैं कि एक बच्चे को जो 16 साल के हैं 11 साल से बंधक बना के रखा गया है। सामने आप देख सकते हैं कि सामने गंडक नदी है, यहाँ पर जब भी बाढ़ आता है तमाम नेता मंत्री लोग, विधायक लोग आते हैं और फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, लेकिन सामने एक बच्चा जो है 11 साल से बंधक बनाया गया है, वो उन लोगों को नहीं दिखा। अगर शायद से इस बच्चे का बेहतर इलाज होता है, तो ये बच्चा जो है वो ठीक हो सकता है। तो कोई नेता मंत्री, यहाँ के मुखिया लोग आपको मदद नहीं किए? केहू ना, 5 रुपया केहू नहीं, 5 रुपया भी नहीं दिए? नहीं खे दे। चुनाव के समय तो आते होंगे, चाची पैर पे गिरते होंगे और वोट के लिए आते होंगे। टाइम में 5 रुपया ना केहू कहला, कहला जे जीत जाम तो हम रोरा के होई करम हो करम, जीत गेला के बाद केहू ना कुछ करला। अच्छा, अभी यहां पर इनको बंधक बनाया गया है, खाना पीना वगैरह सब कैसे होता है? खाना पीना अपना हाथ से खिया, जोन जुरेला मिला लिया अपन हाथ से। रात में भी यहीं पे रहते हैं? ना, रात में अपना लगे रखे नहीं, खटिया में बांध के। अच्छा, अब समझिए कि इस बच्चे को जो है 11 साल से बंधक बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इससे पहले आप जानवरों को देखते होंगे कैदी की तरह, लोगों को जेल में देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर एक लड़के को कैदी की तरह बनाया गया है। और ये बताइए कि कभी कभी खुल जाता होगा रस्सी, तो ये भागने लगते होंगे? तब देखे ला लोग केहू, हम घर में रहम, कोई देख लीजिए, तो चार कोई लोग वही लोग लेकर पकड़वा, हम सब पकड़ के बांध। आपको दिन रात इनको देखना पड़ता है? हाँ, एनी टाइम। रात में भी यही रहते हैं? रातों में अपना घर बंद कोको में रखे, नहीं खटिया में बांध के। अच्छा, तब अचानक में एक बार खोल के भाग गए, तब वो अति भय रहनी से। तब अच्छा, कहीं आप आसपास के अस्पताल में या फिर पटना वगैरह दिखाने का इनका प्रयास किए हैं कि नहीं बाद में? कोयले बनी तो हमारा लगा कौन हो जाती है ना, तो हम पैसा का प्रॉब्लम है। पैसा नेता मंत्री कोई आपको लगता है कि मदद करेंगे?
केहू कुछ नहीं क्या। अच्छा, अगर कोई आपके बच्चे के लिए मदद करना चाहता है तो इस जगह का आप नाम बता दीजिए, यहाँ कैसे लोग आ सकते हैं। सलेमपुर घाट हो गए। अच्छा, और गोपालगंज में कौन से, गंडक नदी के किनारे पे पड़ता है। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है गंडक नदी के सामने, यानी कि ये बांध है और इसी पर यहाँ पर इनका घर है। और कहीं ना कहीं शर्म आता है कि एक 16 साल के बच्चे को, जिस उम्र में आप बाकी बच्चे को देखते होंगे पढ़ाई करते हुए नजर आते हैं, खेलते कूदते हुए नजर आते हैं, उस उम्र में इस बच्चे को बंधक बनाया गया है। हालांकि तमाम यहाँ के नेता मंत्री लोग हैं, चुनाव के समय आके इन लोगों से वोट तो मांगेंगे लेकिन मदद नहीं करेंगे। उन लोगों को आना चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए मदद करना चाहिए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस बच्चे के लिए मदद कर सकते हैं तो यहाँ पर आके इनको मदद कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।